1, 3, 6, 8 बनारस से चलकर वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज छिओकी, सतना, कटनी, विजयवाड़ा के रास्ते कन्याकुमारी को जाने वाली काशी तमिल संगम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर खड़ी है। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और बता दें तो भाई, आज एक नई स्पेशल ट्रेन अपने बनारस रेलवे स्टेशन से चलने जा रही है, वो भी भाई सीधे बनारस से कन्याकुमारी के लिए, यानी कि उसका ट्रेन नंबर होने वाला है 16368 बनारस कन्याकुमारी एक्सप्रेस। और बता दें तो उसको भाई काशी तमिल संगम एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जा रहा है। तो भाई काफी मतलब बेहतरीन ट्रेन है। आज 24 दिसंबर डेट है और संडे का दिन है, और इसी दिन अपनी जो है ना बनारस कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहली बार मतलब कॉमर्शियल रन चलने जा रही है बनारस से कन्याकुमारी के लिए। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन। जो भी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:35 और अपनी ट्रेन का जो यहाँ से डिपार्चर टाइम है वो है 4:20 पे। बट भाई कहीं जो बाहर बोर्ड है ना वहाँ भाई कोई नहीं कर रहा है कि अपनी बनारस कन्याकुमारी एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे लगी हुई है। तो अभी फिलहाल हम लोग 8 प्लेटफॉर्म पे हैं, चलते हैं 7-6 की तरफ जहाँ भी अपनी ट्रेन लगी हुई। भाई फाइनली जाकर अपनी बनारस कन्याकुमारी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे मिली है, जस्ट बगल में भाई लगी हुई है। और बता दें भाई फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतर रहे थे ना, तो अपने ट्रैवल इंडिया के ऋषि भैया भी मिल गए हैं जो कि इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। अभी आपको कुछ देर बाद मिलाएंगे, पहले आपको भाई ट्रेन दिखाते हैं। भाई एकदम ब्रांड न्यू कोच लगाया था, तो आपको कोच कुछ सारी चीज दिखाते हैं, कितने स्लीपर एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, बैटरी इसमें है कि नहीं है, सारी चीज आपको दिखाते हैं। उसके बाद ऋषि भैया से मिलाएंगे और जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो जी भाई, इस ट्रेन में आगे एक साइड लगा हुआ है एक SLRD और पीछे साइड भाई दो लगा हुआ है जनरल। और भाई जनरल क्लास ये वाला है दीन दयालु कोच, जो कि भाई 2019 का कोच है साउदर्न रेलवे का। और बाकी भाई जो ये वाला कोच ना, ये भाई एकदम ब्रांड न्यू है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ दिख रहा है 2023 का भाई लगा हुआ है, दो जनरल आगे के साइड। अगर भाई अंदर से बात की जाए तो भाई साफ सफाई काफी मतलब बढ़िया, नीट एंड क्लीन है, बेसिन भाई साफ सुथरा है, पानी भी आ रहा है, लेकिन भाई मिरर गायब है इस वाले कोच में। देख लेते हैं भाई, ये तो भाई 2023 वाला जनरल है, इसका भाई मिरर देख रहे हैं ना भाई, एकदम नीट एंड क्लीन। टैब देख रहे हैं भाई, थोड़ी अलग डिजाइन का है लेकिन भाई बेस्ट है यार। कोच भी भाई एकदम नई नई है, देख रहे हैं भाई, सीट वीट सारी चीज भाई बिल्कुल ऑन टॉप, एकदम ब्रांड न्यू है भाई। इस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस में आपको फर्स्ट एसी मिल जाएगा, जो भाई पीछे अपने H1 है भाई, मतलब कि इस ट्रेन में डेडिकेटेड एक फर्स्ट एसी का कोच दिया गया पूरा। और बता दें ये कोच भाई एकदम नया नया है, 2022 का है और इस 23 चल रहा है, समझ रहे हैं आप भाई। ये काफी अच्छी बात है भाई, बनारस से कन्याकुमारी जाने के लिए एकदम भाई फर्स्ट एसी में टिकट बुक कराइए और बढ़िया भाई प्राइवेसी के साथ कन्याकुमारी तक बनारस से जाइए। तो जी भाई ये है इस ट्रेन का फर्स्ट एसी, और भाई फर्स्ट लुक तो भाई बिल्कुल बेहतरीन यार, मिरर देख रहे हैं ना भाई, एक दाग नहीं है इस पे, बेसिन भी भाई एकदम चमचमा रहा है, पानी वानी सारी चीजें आ रही हैं। तो जी भाई ये है इस ट्रेन का फर्स्ट एसी कोच, और भाई गेट ओपन करते ही देख सकते हैं भाई, ये मिल जाएगी आपको गैलरी। और भाई ये आपको देख रहे हैं नीचे भाई, एक एक सबके लिए कार्पेट दिया गया, बाकी इधर देख रहे हैं कर्टन वर्टन सारी चीजें लगी हुई है इस फर्स्ट एसी में भाई। और भाई ये है इस ट्रेन का सेकंड एसी A1, लेकिन भाई इसका कोच थोड़ा सा भाई पुराना दिया गया है, क्योंकि भाई इसका कोच 2018 का लगाया गया है। भाई अगर सेकंड एसी इंटीरियर की बात की जाए तो भाई आपको बहुत बार दिखा चुके हैं, एज ऑलवेज सेम रहता है, लोअर मिलता है आपको, ऊपर अपर मिलता है, इसमें मिडिल बर्थ नहीं रहता है, और आपको प्राइवेसी के लिए कर्टन मिलते हैं। इसलिए भाई सेकंड एसी हम नहीं दिखाने वाले हैं, बस आपको ये बता देते हैं भाई इस ट्रेन में 2 सेकंड AC आगे की तरफ लगे हुए हैं और पीछे में 3rd AC है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो जी भाई ये है इस ट्रेन का 3rd AC कोच, और भाई ये भी कोच एकदम ब्रांड न्यू है, 2022 का लगा हुआ है। आप भाई कलर देख के समझ रहे होंगे कितना नीट एंड क्लीन ये कोच है। अंदर से इसकी कोच की बात कर ली जाए तो भाई यार बेहतरीन यार, लाजवाब कोच है भाई, बेसिंग भाई एकदम नीट एंड क्लीन। टैब में भाई पानी भी आ रहे हैं यहाँ पे भाई, हैंड वॉश भी दिया गया, नीचे डस्टबिन, और इधर भाई एक डस्टबिन दिया गया, और नीचे फायर एक्सटिंग्विशर। और कोच की बात की जाए तो भाई एकदम ब्रांड न्यू 2022 का कोच 3rd AC में लगाया गया है। बुझा रहा है कि अभी निकल के अभी मतलब फैक्ट्री से निकली है, इतनी नई है ना, ये मिरर उरर ये सब देख के खुद ही अंदाजा लग रहा है कितना नया है, अभी नया है। चलिए ठीक है, फिर बैठिए, इसी में आपका कोच है? इसी में है। ठीक 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 ठीक, अभी में क्या ये सब? ना ना, हम तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते ना। अच्छा, हाँ वो है। तो जी भाई ये है इस ट्रेन का 3rd AC, देख सकते हैं भाई बिल्कुल भाई न्यू कोच है। बाकी सामने मिरर आप देख सकते हैं, इधर भाई बेडरोल रखा हुआ है, और एज ऑलवेज जो सीट रहती है वो है, कर्टन सोटन सारी चीजें आ चुके हैं, पिलो उलो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और भाई कोच की बात की जाना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।
भाई इस ट्रेन में टोटल आपको थर्ड एसी के कोच मिलेंगे तीन, और इसमें बता दो तो एसी इकोनॉमी के कोच लगे, यानी कि थर्ड एसी इकोनॉमी के उसका भी कोच तीन लगा है इसमें, यानी कि M1, M2, M3। भाई एक बार आपको दिखा देते हैं थर्ड एसी का कोच कैसा होता है। भाई ये है अपना थर्ड एसी का कोच, भाई सामने देख रहे हैं मिरर एकदम नीट एंड क्लीन। बाकी भाई यहाँ पे हैंड वॉश रखा गया है, और भाई ये है टैप, और बता दे तो ये भाई थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में ना फुट ऑपरेटेड पानी आता है, यानी कि यहाँ से भाई कोई सिस्टम नहीं पानी आने का, पानी आपका आएगा यहाँ नीचे से, देख सकते हैं यहाँ भाई टैप करेंगे और तो यहाँ भाई ऊपर से पानी आएगा, लेकिन भाई इस कोच में खराबी है तो पानी नहीं आ रहा है, आगे कोच में आपको दिखाएंगे। और बाकी भाई इसमें आपको मिलता है एक स्लाइडिंग डोर आएंगे भाई, ये बेहतरीन सा आपको इंटीरियर मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन इसका भाई एकदम चेंज रहता है अपने थर्ड एसी कोच से, देख सकते हैं भाई ये कुछ भाई येलो कलर का अपना रहता है। बाकी ये देख सकते हैं आपको एक रोलिंग ब्लाइंडर मिल जाएगा, धूप उप आएगी ना तो इसको आप नीचे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा थोड़ा नए डिजाइन का, और खाना पीना खाना रहेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ट्रे, जिसको भाई ये आप ऊपर करके अपना खाना पीना खा सकते हैं। बाकी ये कुछ रहता है, रीडिंग लाइट भी इसमें रहती है देख सकते हैं, और यहाँ पे फोन होल्डर भी रहता है, और चार्जिंग सॉकेट दिया गया है यहाँ पे, और यूएसबी केबल भी दिया गया है, अगर आपका चार्जर नहीं यूएसबी है तो उससे भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी कोई फर्स्ट क्लास चलती है। एक मेन फीचर बता दे थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का ना, तो वो ये रहता है देखिए यहाँ भाई पर्सनल सीट के लिए एक एक एसी वैकेंट दिया रहता है। देखिए जैसे ये भाई मिडिल सीट है, ये खुलेगी जैसे, देखिए ये खुलेगी तो ये हो जाएगी भाई मिडिल सीट, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको भाई दिया रहता है एसी वैकेंट, ये देखिए भाई यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से भाई खुल जाएगी, और यहाँ से भी भाई एसी की हवा आती है। वैसे भाई सेम नीचे भी दिया रहता है, सेम ऊपर वाले बर्थ के लिए भी दिया गया रहता है, मतलब कि भाई सबके लिए पर्सनल एसी वैकेंट रहता है, अपने हिसाब से बंद करिए या फिर खोलिए। और बता दे तो इसका थर्ड एसी से मतलब किराया भी थोड़ा 50-70-100 ऐसे सस्ता रहता है इस थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का। भाई ये कोच तो हमें बेहतर लगता है थर्ड एसी से, बस यही दिक्कत है इसमें कि भाई थोड़ी सीट इसकी जो है ना थोड़ी कम चौड़ी रहती है, अगर इधर दो आदमी बैठ जाएंगे ना सामने सामने तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस यही इसका भाई कोच का डिसएडवांटेज है, नहीं तो बाकी भाई ग्रेट कोच है मतलब एक नंबर का। तो जी भाई यही है अपनी ट्रेन, देख सकते हैं काशी तमिल संगम एक्सप्रेस बनारस टू कन्याकुमारी, और भाई साहब ये अपने भाई लोग हैं फोटो वोटो ले रहे हैं अपने ट्रेन के बोर्ड के साथ। बाकी जनरेटर कार भी इसका 2023 का है। और भाई एक बात बता दे तो ये ट्रेन LHB कोच है आप देख रहे हैं, लेकिन भाई जनरल इसमें ना कटौती नहीं की गई है, चार जनरल इस ट्रेन में दिए गए, आपको पहले दिखाए थे आगे दो जनरल थे और पीछे साइड में भाई दो जनरल दिए गए, तो मतलब भाई आम जनता के लिए दो जनरल मतलब चार जनरल भाई सफिशियंट है LHB ट्रेनों में, नहीं तो किसी किसी में तो भाई दो ही जनरल दिया जाता है तो काफी भाई भीड़ भाड़ हो जाती है। तो ये ट्रेन भाई बनारस कन्याकुमारी सही है, और देख लीजिए भाई लगभग जनरल क्लास जो है ना इसका पूरा पैक ही हो चुका है। देखिए पहला दिन आज ट्रेन का रन है, और समझ जाइए भाई कितनी ट्रेन की डिमांड है कि पहले दिन से भाई पूरी टिकट इसमें बुक थी, मतलब कि भाई वेटिंग चल रहा था, बस थर्ड एसी में दो चार सीट और सेकेंड एसी फर्स्ट एसी में खाली था, नहीं तो भाई स्लीपर तो पूरा वेटिंग था, मतलब 30-40 वेटिंग हो गया था, और जनरल तो आप देख ही रहे हैं पैक ही चल रहा है यहाँ से, अभी तो वाराणसी बाकी है। तो भाई सारा कोच तो आपको दिखा दिए ए से लेके जेड तक, अब आप सोच रहे होंगे मेरी कौन से कोच में जर्नी होने वाली है, तो मेरी होने वाली भाई स्लीपर में S3 अपना कोच है, अपने रिसीव का भी S3 कोच है, तो चलते हैं अपने कोच में बोर्ड करते, क्योंकि भाई 5 मिनट बचे हैं डिपार्चर के, 1 घंटे पहले आए थे आगे से पीछे करने, भाई पूरा टाइम निकल गया और भाई लोकोमोटिव तो मिस ही हो गया, और वाराणसी में दिखाना होगा तो आपको दिखाएंगे। तो जी भाई यही अपना S3 कोच, इधर भाई अपनी साइड लोअर 64 नंबर S3। तो भाई जी बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी कि शाम के 4:20 पर अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है बनारस रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म से। और जी भाई बनारस रेलवे स्टेशन पे भी काम हो रहा है अमृत भारत के तहत रेलवे स्टेशनों का, यहाँ पे भाई सेट बनाया जा रहा है नया, देखिए ये देखिए भाई निकल रही है अपनी ट्रेन। भाई
फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है बनारस रेलवे स्टेशन से। अब कर लेते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात, तो ये हफ्ते में बस एक दिन चलेगी यानी कि संडे को। और बता दें तो इसका बनारस निकलने का टाइम है शाम के 4:20 पे 2774 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन रात में 9 बजे आपको पहुंचाएगी कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, जो कि भाई लास्ट मतलब अपना रेलवे स्टेशन है इंडिया का। और बता दें तो इसका टोटल जो रनिंग टाइम है ना वो 52:40 है, मतलब कि आप समझ सकते हैं विवेक हिमसागर के बाद ये भी 5वें-6वें नंबर पे हमें लगता है आई गई होगी अपनी बनारस कन्याकुमारी एक्सप्रेस। एक चीज का ध्यान रखिए, बस वीक में एक ही दिन है और ट्रेन की डिमांड काफी ज्यादा है, तो अपना टिकट थोड़ा पहले ही करा लें, क्योंकि आज देखें कॉमर्शियल में पहले दिन ही टिकट वेटिंग में चला गया था। और जो अभी अपने स्लीपर क्लास आप पूरा खाली खाली देख रहे हैं ना, ये अभी जस्ट 3 किलोमीटर बाद अपना वाराणसी जंक्शन आने वाला है, वहां पे पूरी ट्रेन फुल ऑन पैक होने वाली है। दोस्तों बनारस से 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी काशी तमिल एक्सप्रेस आ चुकी है अपने फर्स्ट पॉइंट यानी कि वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और अपनी ट्रेन का बता दें तो भाई यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है ऑन टाइम, और काफी सारे पैसेंजर भाई यहाँ से अपनी ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं। ये देखिए भाई सारे पैसेंजर जो है ना ये भाई जनरल के तरफ जा रहे हैं बोर्ड करने, आपको भाई पहले ही बताया था अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे होने वाली है। देखिए क्या मस्त सा सनसेट हो रहा है अपने वाराणसी जंक्शन में भाई, बेहतरीन नजारा है। और सारे भाई पैसेंजर अपने काशी तमिल में जा रहे हैं बोर्ड करने। देखिए हाल देख लीजिए, बहुत सारे पैसेंजर भाई बोर्ड किए हैं और ये अपने भैया बोर्ड किए हैं। RAC है भैया, RAC टिकट कंफर्म कंफर्म है, ये भैया का कंफर्म टिकट मिला हुआ है। और यहाँ पे भाई बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड किए हैं। अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, आपका तो कंफर्म रहेगा भाई। कहाँ जा रहे हैं आप? वाह कहाँ जा रहे? OGL कहाँ? OGL मतलब अंगोल वहीं के रहने वाले हैं? नहीं अच्छा अच्छा मऊ के, चलिए ठीक है, हैप्पी जर्नी। तो जी फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से, और भाई टाइम देख लीजिए शाम के बज चुके हैं 4:57। यहाँ से डिपार्चर टाइम था भाई 4:45, बस 13 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन वाराणसी जंक्शन से निकल रही है, क्योंकि आगे आगे सारनाथ एक्सप्रेस निकली थी, इस वजह से अपनी ट्रेन 10 मिनट डिले हो गई है। भाई आपको तो पता ही अपना वाराणसी भाई फेमस क्यों है भाई, अपना यहाँ का मोस्ट पॉपुलर टेम्पल यानी कि काशी विश्वनाथ टेम्पल भाई, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, साउथ से तो भाई काफी ज्यादा लोग आते हैं, इसीलिए भाई देखते हुए इस ट्रेन को चलाया गया है। काशी तमिल संगम यानी काशी और तमिल का संगम होगा भाई, इस वजह से इस ट्रेन का काशी तमिल संगम नाम रखा गया है। और बता दो भाई सबसे ओल्डेस्ट सिटी अपना वाराणसी जंक्शन ही है। और जी भाई दिसंबर का महीना चल रहा है और देखिए भाई वाराणसी में भाई पतंगबाजी होना शुरू हो चुकी है भाई, इधर साइड तो काफी ज्यादा पतंग दिख रही है, देख रहे हैं भाई सारी पतंग दिख रही है। देखिए भाई दिसंबर का महीना आ गया तो भाई पतंगबाजी होना तो भाई कंफर्म है भाई। 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति, तो उस दिन तो भाई अनलिमिटेड पतंग उड़ते हैं यार बनारस में, तो बस यही है भाई पतंग वतंग अगर आप उड़ाएं तो थोड़ा सेफली उड़ाएं, क्योंकि भाई काफ़ी सारी इंसिडेंट भी हो जाती हैं मांझा जो आता है ना चाइना वाला उसके वजह से, तो सेफली उड़ाएं, बाकी मौज लेते रहिए पतंग वतंग उड़ाते रहिए भाई, फेस्टिवल है तो उड़ाना तो पड़ेगा। और जी बनारस के शहरों के बीच अपनी ट्रेन निकल रही है धीरे धीरे, और सामने में कोई ट्रेन भी खड़ी है। और जी भाई ये खड़ी है WAP-7 के साथ है, चोजी इसमें लगा हुआ है भाई साहब, वडोदरा सेट का WAP-7, देखते हैं ट्रेन कौन सी है, साबरमती एक्सप्रेस भाई,
और जस्ट भाई शाम के टाइम में क्रॉसिंग मिला है और क्रॉसिंग जस्ट खत्म होते ही पैरेलल एक्शन मिल गया है सारनाथ एक्सप्रेस के साथ। भाई जर्नी में मजा आ गया यार। और अभी तो भाई सबसे बढ़िया वाला नज़ारा अभी आने ही वाला है, काशी रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ ब्रिटेन का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भाई आएगा मालवीय ब्रिज और वहाँ से भाई वाराणसी का आपको इतने बेहतरीन नज़ारे दिखेंगे ना, आप भी कहेंगे भाई स्वर्ग है यार स्वर्ग, जन्नत भाई आपको दिखाने वाले हैं, बस ब्लॉग में बने रहिए। और जी हमारी ट्रेन अभी स्लोली स्लोली रफ्तार में काशी रेलवे स्टेशन को स्किप मार रही है, देखिए बाय बाय काशी। तो यहाँ से अब शुरू होगा अपना पुराना मालवीय ब्रिज जो कि भाई एक रेल कम रोड ब्रिज है, तो भाई काफी बेहतरीन नजारे आने वाले हैं शाम के, तो तैयार हो जाइए। तो जी लीजिए एंटर कर रही है अपनी ट्रेन मालवीय ब्रिज के अंदर, ये देखिए भाई नमो घाट का नजारा देख रहे हैं भाई ना, पब्लिक देखिए नमो घाट पे कितनी सारी है, ये भाई अपना नमो घाट जो कि भाई काफी प्रसिद्ध घाट है अपने वाराणसी का, आप अगर वाराणसी आते हैं तो भाई एक बार नमो घाट जरूर आए, बोटिंग वोटिंग यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए भाई साहब लाइटिंग वोटिंग जबरदस्त है यार नमो घाट की भाई, वाह 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 नाइस यार। और जी इधर से आपको बनारस के सारे घाट्स लाइन से देखने को मिलेंगे, जहाँ तक भाई वो लाइट दिख रही है लास्ट ना वहाँ तक भाई पूरे घाट हैं, इधर से दशाश्वमेध घाट होते हुए लास्ट में सबसे आपको मिलेगा 80 घाट, शाम का नज़ारा बेस्ट है यार वाराणसी अपने सुकून वाले शहर में। ये जो बनारस कन्याकुमारी अपनी ट्रेन है ये काफी लंबी दूरी ट्रेन है, यानी कि 52 घंटे टोटल टाइम ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लेगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे इस ट्रेन में पेंट्री कार है कि नहीं है, तो बता दें इस ट्रेन में भाई प्रॉपर पेंट्री कार लगा हुआ है और पेंट्री की सुविधा जो है ना वो भी आज से ही शुरू हो चुकी है, पानी बोतल और चाय वो देखने को मिल रहा है, अभी कुछ देर बाद अगर पेंट्री वाले भैया आएंगे उनसे खाना वाना का भी पूछ लेंगे क्या है क्या सीन नहीं है, ये सही है कि भाई लंबी दूरी की ट्रेन है तो आपको इस ट्रेन में पेंट्री कार मिल जाएगा, तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस में। अन्ना खाना है मिलेगा डिनर बर 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 आड़ बर आड़ आड़ लड़के बर आड़ लड़के बर आड़ बजे आएगा आएगा चाय उन्हें काल पीड़ित पकड़ लो अच्छा लेके आ रहे हैं बाल तेंद पे हैं घुंडो हैं। और देखिए भाई यहाँ पे शाम के बिस्किट स्कूट भी आ चुके हैं पेंट्री कार से, भैया आए थे मतलब चाय कॉफी तो मिल ही मिल रहा है और शाम का बिस्कुट उस्कुट मिल रहा है, और खाना के लिए पूछे तो वो बोलते बताएं कि 8 बजे तक खाना आएगा, तो ये कि मतलब कि पहले कॉमर्शियल में जैसे सारी ट्रेनों में होता है कि पेंट्री नहीं चलता है, लेकिन इस काशी तमिल में पेंट्री चल रहा है और जो स्टाफ लोग भी है ना वो भी साउथ साइड के ही है, तो ये सही है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट पैसेंजर जो है ना वो साउथ के ज़्यादा ट्रैवल करेंगे क्योंकि जो साउथ से घूमने आते हैं बनारस वो जाते हैं, तो भाई मतलब कि लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होगा कुछ भी सामान वामान लेने में इस वजह से, तो देखते हैं कुछ चाय कॉफी आता है तो वो लेते हैं, और बाकी बता दें तो अपनी ट्रेन वाराणसी से निकलने के बाद 134 किलोमीटर तक प्रयागराज तक नॉन स्टॉप रन करने वाली है, डीडीयू ये ट्रेन नहीं जाएगी, ब्लॉक हट बी से ये डाइवर्टेड होके इधर चुनार मिर्जापुर वाले रूट पे निकल के प्रयागराज शिव की पहुंचेगी। गणेश जी हैं पेंट्री के स्टाफ हैं, बिरयानी मिल जाएगा।
आए थे खाना का ऑर्डर लेने, जिनका भाई गणेश नाम था, काफी मतलब भाई अच्छे थे, मतलब नेचर से मतलब बात उतरने में भाई कोई ऑन कैमरा उन्हें दिक्कत नहीं थी। और पूछे भाई खाना वाना में, तो वो बताया भाई वेज बिरयानी आज मिल रहा है, क्योंकि भाई पहला दिन है ना, तो जो थाली होता वो नहीं मिल रहा है, बोले कि नेक्स्ट टाइम से मिलेगा, मतलब अगली बार जब संडे को ये ट्रेन चलेगी तब आपको प्रॉपर मतलब थाली वाली दाल चावल जो भी रहता है वो मिलेगा, बस आज के लिए वेज। तो भाई वो ऑर्डर हम लोग ने कर दिया अपने साथ, किसी भी अभी हमको पहले ही बताए थे, तो भाई दो हम लोगों ने वेज बिरयानी ऑर्डर किया है। और बाकी है तो अभी अपनी ट्रेन नॉन स्टॉप प्रयागराज छिवकी तक जाएगी, तो बीच में भाई काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन स्किप देखने को मिलेंगे, जैसे चुनार जंक्शन, मिर्जापुर और अपना विंध्याचल, तो आपको स्किप दिखाएंगे, और क्रॉसिंग फिर डिनर आएगा तो डिनर ड्राइवर को बताएंगे। चाय ले लिए पेंट्री से, 10 वाली डीप वाली चाय मिली है भाई, यही ये देख सकते हैं भाई, ये कुछ है अपना 10 वाला डीप वाला चाय।
भाई फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन। और भाई देखिए ट्रेन पहुंचते ही भाई लोग भागा दौड़ी शुरू कर चुके हैं, ये भाई स्लीपर क्लास में भी चढ़ने के लिए। बताइए भाई आपका जब रिजर्वेशन है तो आराम से चढ़िए भाई, क्या जरूरत है चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो भाई फाइनली जो हमारी ट्रेन है काशी तमिल संगमेश्वर पहुंच चुकी है प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन। और हम लोग भाई स्टेशन को करते हैं यहीं पे डिबोर्ड, क्योंकि भाई हमारी जर्नी थी बस प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन तक ही, क्योंकि भाई कन्याकुमारी सोचे थे पहले जाने के लिए, लेकिन भाई सोचे ज़्यादा दिन लग जाएगा उधर और इधर, भाई वंदे भारत की इनॉग्रेशन भी है 30 तारीख को, भाई इस वजह से सोचे भाई शॉर्ट जर्नी रखते हैं। आपको बस अपडेट देना था कि बनारस से कन्याकुमारी यानी कि काशी तमिल संगम एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है, तो आप लोग भाई इसमें अब जर्नी कर सकते हैं पूरा मतलब लास्ट पॉइंट तक यानी कि साउथ के। तो कैसी लगी जर्नी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर लेंगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक ले भाई टाटा टेक केयर बाय बाय प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन से। तो भाई जिसी भी अपने जा रहे हैं पूरे गोंदिया तक, ठीक है भैया। और हाँ भाई जो अपने ऋषि भैया थे ना उनका भी टिकट भाई कन्याकुमारी तक था, लेकिन वो भी भाई गोंदिया में उतर जाएंगे, यानी कि अभी शाम के बज रहे हैं 7-8 ना 7 बज रहे हैं, तो सुबह वो 7 बजे गोंदिया उतर जाएंगे, फिर वो भी भाई बैग घर आ जाएंगे क्योंकि उनको भी वंदे भारत करनी है।